बैक टू द चैनल, मैं हूँ परी। आपको पता है आज ना बहुत दिनों बाद हम एक अनबॉक्सिंग वीडियो करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं बार्बी डॉल टीचर सेट का अनबॉक्सिंग, तो फिर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये रहा, चलो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो फिर पहली चीज मैं बोलूंगी कि ये जो बार्बी डॉल टीचर सेट का कवर है उसका पैकेजिंग इतना अच्छा नहीं हुआ है। ये देखो, और ये पूरा ऐसे पिचक गया है, और इसका ये भी ऐसे कट गया है। तो फिर इसका जो पैकेजिंग है ये मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, तो ऐसा अच्छा नहीं है। तो चलो जल्दी से इसको निकालते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो, निकलता नहीं है। ये देखो फ्रेंड्स, ऐसे ही खुल गई है। चलो ये रहा। पहले हम मैडम जी को निकालते हैं, हमारे टीचर जी। एक मिनट, सारी चीज़ों को पहले पीछे से ऐसे निकाल देते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सारा निकाल देंगे। तो फिर नीचे से मैं जब सब खोल दी तब ये सारा निकल गया, तो जब मैं सीधा की तब ये सारा उल्टा पुल्टा हो गया। वैसे भी बाहर ला के तो यहाँ ही रखना है ना। तो फिर चलो मैं आपको एक एक करके सारा दिखा देती हूँ। ओके, तो फिर पहले आते हैं हमारी मैडम जी। ये है हमारी मैडम जी, इनके हेयर फॉल तो बहुत ज्यादा है लग रहा है, इनका बहुत ज्यादा हेयर फॉल है। तेल लगाना चाहिए मैडम आपको। इनका जो हील्स है मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। ये है हमारी टीचर, और इनका ये जीन्स और एक बहुत अच्छा सा टॉप पहना है। और ये देखो पूरा मेकअप, 100% मेकअप के हैं। हमारे स्कूल में तो इतना ज्यादा नहीं होता, ये एक्चुअली पूरा डांस टीचर जैसे लग रहे हैं। हमारे स्कूल के डांस टीचर ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम ऐसे ही दिखते हैं, बस उनका हेयर कलर नहीं होता। तो फिर ये जो हमारी मैडम जी हैं, इनका नाम हम मैडम जी ही बुलाएंगे। तो फिर ये जो हमारी मैडम जी हैं, इनका जो नीज होता है वो बेंड नहीं होता, तो फिर इनको ऐसे ही बैठना पड़ेगा चेयर में। बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। हाँ जी, ये बेंडेबल है। और मेरे को इनके बारे में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है इनका बाल। इनका बाल का हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है, आई लव इट। हाय, मैं आपकी न्यू टीचर हूँ। वैसे आप कौन से ग्रेड के हो कमेंट करके जरूर बताना। ओके बाय। तो फिर ये थी हमारी मैडम जी। तो फिर चलो नेक्स्ट में चलते हैं। मैडम जी आप थोड़ा सा बैठ जाइए, पैर दुख रहा है। आपको सोना है? ठीक है जी, सो जाइए, गुड नाइट। तो फिर ये है हमारे दो छोटे छोटे बच्चे, और ये ऐसे लग रहा है ये दोनों जुड़े हैं, एग्जैक्ट सेम ही लग रहे हैं। इनका ड्रेस कोड सेम होना चाहिए एक्चुअली। कोई बात नहीं, हम सेम ऐसे वाला, ऑलमोस्ट सेम वाला मेरे पास एक ड्रेस है, दोनों पहन लेंगे, स्कूल यूनिफॉर्म बन गया ये। तो फिर ये है हमारे दो डॉल्स, चिंकी और मिंकी। ओह वो वाला है, हाँ, तारा सितारा। बेघर, अनाथ, गरीबी और अकेलेपन से तंग आके दोनों ने एक जोड़ी बना दी और अपनी मुंह बोली माँ को। उसके बाद मेरे को पता नहीं क्या है। अच्छा एक काम करते हैं ना, इनका चिंकी मिंकी नहीं रखते हैं, तारा सितारा ही लगते हैं, बहुत बढ़िया नाम है। तो फिर ये है हमारे स्टूडेंट्स। बैठो जी बैठो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। बैठ जाओ बैठ जाओ, हम तो खड़े ही नहीं हुए मैम। तो फिर एक मिनट, मेरा ब्लैक बोर्ड कहाँ है? सॉरी मैडम जी, ब्लैक बोर्ड लाना भूल गई, रुको अभी लाती हूँ। ठीक है, आप लोग अपना क्लास कंटिन्यू करो, मैं आपका ब्लैक बोर्ड लाती हूँ। तो फिर ये है हमारी मैडम जी का ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे कुछ चॉक्स रहेंगे, एंड ये देखो रुको इसको निकाल देते हैं। अयो आउच, इसको निकाल देते हैं। हाँ तो फिर रुको इसको रख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे ये कुछ स्केच पेन हैं। फिर आते हैं ये नीचे वाला पार्ट, तो फिर चलो इसको निकालते हैं, और इसमें भी टेप ही लगा है। तो फिर अभी हम ये जो ब्लैक बोर्ड है इसका स्टैंड लगा रहे हैं, इसका पैर। हाँ लग गया। तो फिर ये है हमारा ब्लैक बोर्ड, और इसके अंदर थे ये सारे चीज़ें। ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फिर ये है बच्चों का लंच बॉक्स, लंच बैग बोल सकते हैं। रुको ये खुलता है कि नहीं? ओ वाह ये खुलता है। इसके अंदर मैं मिनी सैंडविच रखूंगी, वाह कितना अच्छा लगेगा। इसमें मैं सैंडविच रखूंगी ये बच्चे के लिए, और दूसरा टिफिन बॉक्स में मैं कुछ फ्रूट्स रखूंगी जैसे ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज, वो सब। ओके, लंच बॉक्स के बाद उनको प्यास भी लग रही होगी। तो पहली चीज जब मैं इसको देखी पहली बार तो मेरे को लगा ये ग्लू है क्या, फिर पता चला अरे नहीं ये तो वाटर बॉटल है। तो ये है वो छोटे छोटे बच्चों का वाटर बॉटल, और इसमें एक हैंडल भी है, तो वो लोग अपना हैंड ऐसे घुसा के पी सकते हैं। उसके बाद है ये कैंची। ओह मेरे को लगता है कि ये जो कैंची है ना ये आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए है, वो जो आर्ट एंड क्राफ्ट सेशन होता है ना सीसीए, उसके लिए है ये। और ये है डस्टर। रुको डस्टर, ये एक्चुअली डस्टिंग होता है क्या? नहीं होगा, ये चौक नहीं है, पूरा स्टिकर लगा दे हैं ये। क्लीन क्लीन क्लीन। ओके सोच लो कि क्लीन हो गया,
लेकिन एक्चुअली नहीं होता। और एक चीज बाकी है, ये जो डॉल्स हैं, ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये लोग कहाँ बैठेंगे? थोड़ी ना जमीन में बैठेंगे, इनके लिए भी तो बेंच चाहिए ना। चलो इनके लिए भी बेंच लाते हैं हम। तो फिर ये है दोनों बच्चों के लिए दो बैग्स, एक है जानवरों का और एक है मर्मिड्स का। मेरे को तो लग रहा है मर्मिड ही अच्छा है। तो फिर ये है दोनों बैग्स, तो फिर ये लो आपका बैग और ये लो आपका बैग। हाँ, मेरे को मर्मिड वाला चाहिए। नहीं, मेरे को चाहिए। अरे क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? मेरे को मर्मिड वाला चाहिए। नहीं, मेरे को चाहिए। अच्छा ठीक है, ये लोग देखो यहाँ पे अभी मर्मिड के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मैं इनके लिए मर्मिड वाला बैग कहाँ लाऊं? इनको मनाना पड़ेगा। सुनो, ये देखो, ये जो एनिमल्स वाला बैग है ना, इसमें देखो लायन है, और लायन तुमको पता है जंगल का राजा है। लेकिन मर्मिड्स क्या, मर्मिड्स तो फैंटेसी होता है ना, ये तो रियल है। नहीं, मर्मिड ना जलपरी होती है, वो पानी की रानी होती है। अच्छा ठीक है, ये भी तो जंगल का राजा होता है। ठीक है, फिर मैं ये वाला लूंगी। फाइनली, अच्छा वाह। चलो बैठो, अपने बैग्स लेकर बैग्स को साइड में रखो। तो फिर ये देखो, ये जो बैग है ना, ये खुलता भी है, लेकिन ऐसे दो दो हाफ होके। तो फिर ये देखो, इसमें हम डालेंगे पानी बोतल, लंच बॉक्स। अच्छा, लंच बॉक्स फिट होगा कि नहीं पता नहीं। चलो ठीक है, लंच बॉक्स, पानी बोतल और कुछ नहीं। देखते हैं ये फिट होता है कि नहीं। रुको एक मिनट, ये लग गया। ये और लंच बॉक्स और पानी बोतल इसमें रह जा रहा है, और दोनों बैग में अगर वो रह गया तो और क्या चाहिए। और बुक्स भी रह सकते हैं, ऊपर में थोड़ा सा जगह है, तो फिर वहाँ पे बुक्स और पेंसिल रह जाएंगे। हो गया, वाह कितना अच्छा है। तो फिर फ्रेंड्स, मैं तो आपको सारा नहीं दिखाई हूँ अभी तक, और भी बच्चे हैं बस एक। तो फिर ये देखो, ये है दोनों बच्चों का बेंच, यहाँ पे ये बैठेंगे। ब्लू पिंक वाला है, बहुत क्यूट लग रहा है, कितना क्यूट है। ये देखो यहाँ पे ये लोग बैठेंगे, एक ये वाला तुम्हारे लिए, ये वाला तुम्हारे लिए। ये तो फिर ये है इनका बेंच, काफी छोटू सा है ना। अभी तो मैं आपको सब दिखा चुकी हूँ, तो फिर क्यों ना हम अभी एक छोटा सा गेम खेलें। पहले इसको सेट कर लेती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। तो बच्चों, किस किस ने होमवर्क कंप्लीट किया है? मैंने होमवर्क कंप्लीट कर ली मैम। मैम, वो मेरा कल ना दांत बहुत दुख रहा था, इसीलिए मैं कंप्लीट नहीं कर पाई होमवर्क। तुम्हारा दांत दर्द कर रहा था, तुम अपने हाथ से होमवर्क लिखती हो कि दांत से? बहाने बनाना मत करो, ठीक है? सॉरी मैम, आप मेरे को भी पनिशमेंट दोगे? ठीक है, मैं तुमको लास्ट चांस दे रही हूँ, कल कंप्लीट करके आना दोनों होमवर्क्स, ठीक है? और अगर कंप्लीट नहीं की तो कल तो मेरे को पनिशमेंट देना पड़ेगा। ओके ओके मैम, ओके। सुनो तारा, क्या क्या चल रहा है? तुम मुझको तुम्हारा होमवर्क भेज दोगी, मैं कॉपी कर लूंगी। मेरे को क्या मिलेगा? मैं तुमको 5 चॉकलेट दूंगी। ठीक है। क्या चल रहा है वहाँ? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? वैसे मैं कल तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन 10 तक सिखाई थी ना, किस किस ने प्रैक्टिस किया? आई होप दोनों ने प्रैक्टिस किया। हाँ मैम। तो फिर आज मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ओके, तो फिर चलो। तारा, मैं तुमको अभी क्वेश्चन पूछूंगी। सबसे पहला, 5 1 5। Very good. And Sitara, 8 2 16. Very good. और हाँ, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा टाइम लगा रही हो। हाँ, ये क्या, बेल इतनी जल्दी बज गई? ओहो, अभी तो उनको न्यू टेबल्स भी पढ़ाना था। ओके बच्चों, अभी बेल रिंग हो चुका है, तो फिर अभी लंच ब्रेक टाइम। ओके, तुम लोगों का तो फेवरेट होता है ना ये, बढ़िया। मैं भी जल्दी से जाके अपना लंच खा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही थी। ओह, और एक चीज, कल तारा बोर्ड क्लीन की थी ना, तो सितारा आज तुम बोर्ड क्लीन कर लेना। ओके मैम। गुड। एक मिनट सितारा, तुम आज खाने में क्या लाई हो? मैं
मैं तुम्हारा फेवरेट पनीर की सब्जी और पूरी लाई हूँ। सच्ची? मेरे को थोड़ा दोगे? वैसे तुम क्या लाई हो? मैं आज पालक पनीर लाई हूँ। पालक पनीर तो मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन तुमको पसंद है ना? ओ पाओ, मेरा फेवरेट है। हम लंच एक्सचेंज कर ले। बहुत बढ़िया। ये जो मेरा मेरा वाला बैग में मैं निकालती हूँ। ये मेरा पेट तो भर गया। बच्चों, आपका खाना खत्म हो गया? नहीं मैम, अभी तो बस 20 मिनट हुआ है लंच ब्रेक शुरू होते हुए। ओह, मेरे को लग रहा था मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले पाती। ये लोग कितना लेट तक खाते हैं? 30 मिनट का कौन रखता है लंच? किसी ने क्लीन भी नहीं किया? सितारा, तुमने आज बोर्ड भी क्लीन नहीं की? तुम लोगों को तो ये क्लीन करना बहुत पसंद है ना? मैम, वो क्या है कि वो बहुत ज्यादा ऊपर है ना, तो मैं क्लीन कर नहीं पाई। ऊपर से आपका चेयर भी नहीं था। वो तो सही है, ठीक है, मैं ही कर लूंगी, ऐसे भी टाइम है। ओके फ्रेंड्स, मेरे को तो ये टीचर सेट के साथ खेल का बहुत मजा आया, और आपको देख कर कैसा लगा? और हाँ फ्रेंड्स, मैं ना आगे भी ये बार्बी डॉल टीचर सेट में, वो आपको याद है ना, मैं बहुत टाइम पहले एक बार्बी डॉल टीचर गेम खेली थी, उसका पार्ट 2 बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, मेरे को तो आज इसका अनबॉक्स के बहुत मजा आया। और हाँ, अगर आपको भी ऐसा टीचर सेट अच्छा लगा और आपको भी चाहिए, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर, और अगर आप चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, लेट्स एंड द वीडियो। बाय।